वही बहुत जोर से हो गया वे, लेकिन कोई नहीं, गहरी नींद में था मैं एकदम मस्त। अगले तुम्हारी गहरी दिन नींद की वजह से हमारी खुली है समझे। वही ना, तो अपन उठे फिर जिम उम चले गए, सब सो ही रहे थे, थोड़ा बहुत किया और मेरे को सुबह और नौसिया हो गया, हो गया था। हो गया था मतलब, क्योंकि फिर मैं ब्रश करने गया और जैसे मैंने टंग क्लीनर को यूज किया, मेरा गैग रिफ्लेक्स अच्छा नहीं है, थैंक गॉड, मेरे को नौसिया हो गया। मैं कोई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, मेरे को आदत है, इसीलिए मैं सुबह जिमिंग अवॉइड करता हूँ। और फिर बाद में आए ऊपर वाले की कृपा से, चाय बहुत अच्छी थी बुफे में, मैंने 3 कप चाय पी, वहीं पे अपन की मीटिंग वीटिंग हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो रिकॉर्ड वो ऐसा लगा देते ना तो वो एक अखा पॉडकास्ट बन जाता भाई। हमने जो उसके एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोगों को ऐसा बोला गया था कि आप लोग क्वेश्चंस आपस में डिवाइड कर लो, तो जिसने ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आप वीडियो में देख रहे हो जिस बंदे ने वो क्वेश्चन पूछा है वो उसी ने निकाला हो। ये सब हम लोगों ने मिलके निकाले हुए हैं और सब लोग ने आपस में डिवाइड करे हुए क्वेश्चंस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वहां बैठे अरे यार मेरे को ये फैन थ्योरी ध्यान में आ रही पूछ ले, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिला अपने को, अगर प्रॉपर तरीके से होता तो 2-2.5 घंटे चाहिए थे अपने को कम से कम। आज इतनी लंबी पॉडकास्ट होती है उतना लंबा, क्योंकि हमारा वहां पे जो हम होटल में बैठ के हमने डिस्कशन किया था पूरे फैन थ्योरीज और सारी चीजें खोदी थी भाई, वो तो क्या माइंड ब्लोइंग सेशन था मतलब। लेकिन ये भी तो देख लो, अपन इतनी सारी बातें कर रहे थे थ्योरीज व्यूरीज की, अल्टीमेटली क्या होता अपन स्पॉइलर्स ही तो पूछते, क्या करते फिर, बात वही है ना, अपने क्वेश्चंस जो थे और वो बंदा मना करता, कितना मना करता यार। लेकिन फिर भी मतलब उसने काफी सही तरीके से चीजों को अच्छे से जवाब दे दिया, एकदम बढ़िया तरीके से, नहीं बिना स्पॉइल किए सब। उन्होंने बोल दिया कि मतलब देखो आई वोंट स्पॉइल द मूवी फॉर यू गाइस ऑब्वियसली, तो मैंने कहा सबसे भारी पूरा, मैं जंप कर रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड होने के बाद ठीक है कैमराज वगैरह बंद हो गए, फिर भी पूछता एक बार, रणवीर सिंह ही है ना, रणवीर सिंह ना भाग गया, आगे जंप कर गए यार, बहुत बहुत आगे जंप कर गए, बहुत आगे, मतलब मैं ऐसा हिंट दे दिया आगे कि आगे क्या आने वाला है। तो उसके बाद तैयार होके वगैरह गए लोकेशन पे, ठीक है